भागलपुर 5 विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदान, कहा इस बार बदलाव जरूरी है, बिहार के युवा ही होंगे नए मुख्यमंत्री। भागलपुर विधानसभा पर लोगों ने अपना मत बड़े हर्षोल्लास के साथ दिया। लोकतंत्र के इस महापर्व पर लोगों ने अपने अपने दुकान को बंद रखा, तो वहीं मतदान करने के बाद लोगों ने कहा इस बार बिहार में बदलाव होना तय है और युवा मुख्यमंत्री बनाना है जो बिहार को विकास करे और युवाओं को रोजगार दे। भागलपुर से अफरोज अंसारी की रिपोर्ट। आज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश ये देना चाहते हैं कि विकास के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, बहुत है, सबसे ज्यादा मुद्दा यही सबसे बड़ी बात है। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में बदलाव? बहुत बदलाव होगा, युवा नेता आ रहे हैं बिहार में। तो सभी को करना ही चाहिए, यही कहना चाहेंगे हम जी। और महिलाओं के लिए क्या आप इंतजाम थे? सही है सब, प्रशासन भी शिष्ट है जी, महिला के लिए इंतजाम ठीक है, महिला प्रशासन भी मौजूद, शांति ढंग से मतदान हुआ जी। जी, क्या नाम है आपका? सीमा देवी जी। कोरोना काल को देखते हुए किस तरह का इंतजाम मात थे? कोरोना काल को देखते हुए इंतजाम बहुत बेहतर है, बना हुआ है, अत्यंत सुविधाजनक हमको मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार हुआ। ठीक, आज वोट दिए? हाँ, आज जी मतदान, हाँ मतदान में बहुत प्रसन्नता हुई जी, और प्रजातंत्र के भविष्य को लेकर बहुत आशान्वित हुए जी। जी भगवान करे ये प्रजातंत्र फलता फूलता रहे जी। जी, क्या नाम चाचा आपका? महेंद्र ठाकुर जी, धन्यवाद। मतदान के प्रति संदेश यही है कि ये बेरोजगारी का जो वक्त चल रहा है, लॉकडाउन के बाद से लेकर के आज तक मौजूदा सरकार जो है सब कुछ बिहार के लिए और कुछ खास करके भागलपुर के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, और युवा लोग का अभी जो चल रहा है माहौल वो यही है कि कुछ बदलाव होना चाहिए जी, है ना, बदलाव के तरफ जो है सो ज्यादा झुकाव है, है ना, और सभी लोग इससे सहमत भी हैं कि कुछ बदलाव इस बार आए। 15 साल बहुत होता है, बिहार को चलाने के लिए बहुत सारा टाइम दिया गया है ना, लेकिन सब जितना है सब धरातल पर रखा जा गया। नलपुर के ततारपुर में और यहाँ पर मतदान शांतिपूर्ण मतदान हो रहे हैं, कोरोना काल को देखते हुए सारे पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और साथ ही साथ प्रशासन को भी मुस्तैदी के साथ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस कोरोना काल में लोग अपने घर से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। भागलपुर से अफरोज अंसारी।